हिमाचल प्रदेश में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए 31 मई तक पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाना चाहिए था। वर्तमान में कोरोना कर्फ्यू का असर ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल ने वर्तमान कर्फ्यू व्यवस्था को अनुचित बताया है। उनका कहना है कि बाजार में दवाइयां एवं किराना की आड़ में सारा सामान बिक रहा है, इससे वाहनों की आवाजाही आम दिनों की तरह जारी है। ऐसे में कोरोना की चेन तोड़ना संभव नहीं है। सब्जी व अन्य कई दुकानें 1 बजे के बाद भी रामपुर क्षेत्र में खुली रहती हैं। सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि कर्फ्यू व्यवस्था की जवाबदेही तय की जाए। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष हरीश गुप्ता ने बताया कि सरकार से वे गुजारिश करते हैं कि जिस तरह से व्यापारी हमेशा सरकार का साथ देते हैं, आम व्यापारियों का भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए, लेकिन व्यापारियों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो पूरी तरह से 31 मई तक लॉकडाउन लगा देना चाहिए था ताकि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आते। उन्होंने कहा कि वर्तमान में कोरोना कर्फ्यू का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि गाड़ियों की आवाजाही लगातार जारी है। हरीश गुप्ता, उपाध्यक्ष हिमाचल स्टेट व्यापार मंडल। मेरी सरकार से गुजारिश है कि व्यापारी एक ऐसा वर्ग है जो सरकार का हर तरह से जो है सहयोग कर रहा है, लेकिन सरकार व्यापारियों के साथ भेदभाव बरत रही है, कोई सहयोग नहीं कर रही। मेरी राय में तो ये होना चाहिए था कि इस लॉकडाउन का फ़ायदा कोई नहीं, अगर लॉकडाउन लगाना है तो टोटल बंद कर, उससे जो चेन टूटनी थी। 5 दिन में 25 से लेकर 31 तक टोटल लॉकडाउन लगाने से ऐसा था कि 5 दिन में कोई भूखा नहीं मरना था, 5 दिन का सब में के पास राशन होता है, इससे जो है चेन टूट जाए। दूसरा जो है डेली नीड्स है, किराने की दुकानें हैं, मेडिसिन की दुकानों के नाम से पूरे हिमाचल के व्यापारी हर चीज़ बेच रहे हैं और बिक रहा है, चोर चुराने से बिक रहा है, जिससे आम व्यापारी छोटा व्यापारी बेचारा वो घर में बैठा है, और जो व्यापारी लोग बैकडोर एंट्री से माल बेच रहे हैं उसका जो है कोई चेकिंग नहीं, सब्जी वाले हैं और 1 बजे के बाद भी सब कुछ बिक रहा है। मेरी सरकार से मांग है या तो इस लॉकडाउन को खोल दिया जाए गाड़ियां, या टोटल जो है बंद कर दी गाड़ियों का क्या, और गाड़ियां जो है मैक्सिमम गाड़ियां जो है रश गाड़ियों को उतना ही है, उस पर भी कोई चेक नहीं है। लेकिन जब मार्केट बंद है, सब कुछ बंद है, गाड़ियां आ रही है तो आ रही है, वो इसलिए आ रही है कि भाई सामान बिक रहा है, मिल रहा है, नहीं तो खाली थोड़ी पेट्रोल खर्चे वाले, हर चीज़ बिक रही है। व्यापारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि आम व्यापारी वर्ग इससे काफ़ी रोष महसूस कर रहा है। गाड़ियों की आवाजाही आम दिन की तरह है, किराना और दवाई की दुकानों की आड़ में सारा सामान बाजार में बिक रहा है, ऐसे में छोटे व्यापारी पीछे जा रहे हैं। अगर कोरोना की चेन को तोड़ना है तो पूर्ण रूप से लॉकडाउन होना चाहिए था।